दोस्तों सबके नज़र में ये होता है सबसे बेस्ट कौन सा सेटअप बॉक्स है। दोस्तों सोलिड की बात करते हैं तो सोलिड ने दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे सेटअप बॉक्स निकाल रखे हैं जो कई तरह की वैरायटी में होते हैं, लेकिन मैन होता है कि हम कौन सा सेटअप बॉक्स परचेज करें। वैसे ही दोस्तों आज मैं आपके लिए भाई बहुत ही बेहतरीन सेटअप बॉक्स लेके आया हूँ, जिसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा जो नया सेटअप बॉक्स लॉन्च हुआ है। जैसे दोस्तों सोलिड का बेहतर बेहतर आप यूज करते हो, वैसे ही दोस्तों सोलिड का नया सेटअप बॉक्स है उसकी चलिए दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल से बता देता हूँ कि सोलिड जो सेटअप बॉक्स है ओनली डीडी फिड्स के लिए यूज होता है। और इस सेटअप बॉक्स को दोस्तों अगर हम लेने की सोच रहे हैं तो पहले दोस्तों आपको ये वीडियो देखो, उसके बाद में दोस्तों इस सेटअप बॉक्स को परचेज करो। तो चलिए दोस्तों सोलिड का नया HEVC 265 सेटअप बॉक्स। नमस्कार दोस्तों, ओल्डी सिन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, मैं उसी तरह। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं सोलिड का नया सेटअप बॉक्स यानी सोलिड का HEVC जो 265 सेटअप बॉक्स है। एक दोस्तों HEVC 265 वाला सेटअप बॉक्स है, इसमें दोस्तों एक ऐसा सेटअप बॉक्स है जहाँ डीडी फिड्स के आने वाले चैनल में अपडेट कुछ भी होगा तो इस पर ऑटोमेटिक होता है, और आपको कोई भी डीडी फिड्स का बदलाव होगा तो दोस्तों आपको नया सेटअप बॉक्स लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ दोस्तों इस सेटअप बॉक्स में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों सोलिड का नया सेटअप बॉक्स है HD S2 बारे में दोस्तों पूरी डिटेल से करते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर हम नया सेटअप बॉक्स लेते हैं तो दोस्तों ये जो सेटअप बॉक्स है सोलिड का जो बेहतर बेहतर सेटअप बॉक्स है उसकी जैसा दोस्तों ये सेटअप बॉक्स है। इसकी दोस्तों अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको 950 रुपये से लेके 1150 तक आपको मार्केट में भी कहीं पर मिल पाएगा। इस सेटअप बॉक्स के साथ दोस्तों हमें जो ये सेटअप बॉक्स आप देख रहे हो, सेटअप बॉक्स के साथ आपको क्या क्या मिल पाता है, जैसे दोस्तों बेहतर बेहतर सेटअप बॉक्स के साथ पूरा कंप्लीट एसेसरीज मिलता है, वैसे ही दोस्तों इसके साथ मिलेगा आपको एक सेटअप बॉक्स का बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर आपको सेटअप बॉक्स मिलेगा और दोस्तों आपको इसके साथ एक ही रिमोट कंट्रोल मिलेगा जो कभी ब्लैक भी आता है कभी वाइट भी आता है, मेरे यहाँ वाइट निकला है। और दोस्तों बात करते हैं इसके साथ आपको एडोप्टर मिलेगा, तो एडोप्टर आप इस तरह का देखते हो जो 300 वोल्ट पर ऑटो कट एडोप्टर, हाई रेंज वाला अच्छी क्वालिटी वाला एडोप्टर आपको मिल पाता है। इसके जो केबल की बात करते हैं इसके साथ आपको RCA केबल नहीं मिल पाता, इसके साथ आपको HDMI केबल मिल पाता है जो दोस्तों आपके जो टीवी की हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी बढ़ाने में बहुत ही अच्छा है। इसमें दोस्तों अब बात करते हैं सेटअप बॉक्स की, दोस्तों सेटअप बॉक्स के साथ आपको एक बहुत ही बेहतरीन जो इसके अंदर ऑप्शन है इसमें IR सेंसर का ऑप्शन है, जो दोस्तों IR सेंसर आप देख रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं दोस्तों सेटअप बॉक्स की बॉडी वगैरह की, सेटअप बॉक्स की दोस्तों दो की इसमें आती है, ब्लैक भी आता है वाइट भी आता है। और पीछे के फ्रंट की बात करते हैं तो पीछे आपको एक LMB इन का पोर्ट मिलता है, एक LMB आउट का मिलता है, एक आपको HDMI पोर्ट मिलता है, एक आपको USB पोर्ट मिलता है और 3 RCA केबल का पोर्ट यहाँ मिलेगा और एडोप्टर का पोर्ट यहाँ मिलेगा। आगे के फ्रंट की बात करते हैं तो दोस्तों ऑन ऑफ के बटन मिलेंगे आपको, डिस्प्ले जो सेटिंग होती है डिस्प्ले का लोगो है वो आगे आपको मिल पाएगा है, और एक USB पोर्ट होता है IR सेंसर के पास में साइड में। दोस्तों रैम आपका बेहतर बेहतर की जैसा ही है, इसका जो अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों की पिक्चर क्वालिटी सेम है, अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो दोनों को सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा आपको फर्क मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। तो अगर आपको ये सेटअप बॉक्स लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों आप ले सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको डीडी फ्रिज के चैनल के लिए बहुत ही बेहतरीन सेटअप बॉक्स है। तो दोस्तों सेटअप बॉक्स के साथ आपको क्या क्या मिल पाएगा वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस सेटअप बॉक्स को दोस्तों डीडी फ्रिज का फ्री डिश एंटीना होता है उसमें सेट किया जाता है, और इसमें दोस्तों आपको कुछ भी रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें जो लाइफ टाइम आपको डीडी फ्रिज के चैनल इस पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले।